अपडेट आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल से रेल मंत्री पहुंचे हैं। अश्विनी वैष्णव ने घायलों से मुलाकात भी की है। जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा हुआ है, जहां पर एक रेल से एक रेलगाड़ी जाकर टकरा गई और उसके बाद कई लोगों की मौत और कई लोग घायल भी हो गए। तीन अलग अलग इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद साइकिल से घटनास्थल पर पहुंचे और सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, फिर उस अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों को एडमिट किया गया है और घायलों से हालचाल भी ली, उनसे पूछा कि अभी वो ठीक हैं। और साथ ही साथ निर्देश भी दिए गए हैं डॉक्टर्स को कि जितने भी लोग घायल हुए हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, ठीक तरीके से उन सभी का इलाज किया जाए, इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। तो मोटरसाइकिल से घटना स्थल पर कैसे अश्विनी वैष्णव पहुंचे, उसकी ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां पर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आ गए और मालगाड़ी ने आगे खड़ी ट्रेन को भीषण टक्कर मारी और इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर एक्स हैंडल के जरिए संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें हर तरह की मदद भी दी जाएगी। साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी सरकार की ओर से कर दिया गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे, जानकारी ली और साफ तौर पर यह कहा गया है सरकार की ओर से कि घटना के पीछे जो वजह रही उसे तलाशने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो मालगाड़ी था वो सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ गया और इसी के वजह से यह हादसा हुआ है। अब ये हादसा आखिर कैसे हुआ, सिग्नल क्रॉस कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। कंप्लीट फोकस है, जैसा आपने आप स्वयं जानते भी हैं, मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा।